183वां कलश क्यों ले रहे? ऐसा है कि समय सार पहली गाथा से आरंभ किया था पर आज तक ये दो साल में चलते चलते हम इस यहाँ पर आए। अभी देवराजी में इसके पहले तक की गाथा चल चुकी है और उसके बाद वाले कलश कंटिन्यूशन में चल रहा है। ये सब तुम्हें नहीं हो,
कितनी बार दर्शन करता हूं मैं, कितनी बार खड़े खड़े करता हूं। तो तीन ग्रुप है, एक स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश पत्नी, एक ग्रुप। तो दूसरे ग्रुप में सभी, और तीसरे ग्रुप में महिला देश के ग्रुप। ये तीन ग्रुप हैं, एक तुम्हें नहीं हो, तुम इनसे जुड़े हो, और एक तुम्हारे भी नहीं है, माने तुम्हें इनके स्वामी भी नहीं हो। इसको बोलते शास्त्रीय भाषा में इनमें एकत्व बुद्धि और महत्व बुद्धि। एक मैं हूं इसका नाम है एकत्व बुद्धि, और एक मेरे हैं इसका नाम है महत्व बुद्धि। पहले तो उससे 48 गाथा में क्या बताया, एक स्त्री पुत्रादी शरीर और राजा तीन हो गए, और लंबे जोड़े नहीं गए, स्त्री पुत्रादी एक, तो शरीर दो और राजा भी तीन। एक मैं नहीं हूं और एक मेरे नहीं है, कितनी बात पहले अध्याय में दिवाली वाली काल में पढ़ रही। कर्ता कर्मधिकार ने ये बताया कि एक दिन तीन है, कौन कौन, स्त्री पुत्रादी राजादी शरीरादी, एक इनके तो कर्ता नहीं हो, इन्हें तुम बनाते नहीं हो, और इनके तुम भोक्ता नहीं हो। बस इतनी सी बात बताई कर्ता कर्मधिकार ने, और हम 144 दाता तक पहुंचे। मैंने समय साल की 144 गाथा आपको सुना, कठिन तो नहीं है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश और दुनिया और राग देश भोग के भाव और शरीर, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। कितनी बार बताई 144 गाथा अभी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये घबराहट के समय से आप बहुत बड़ी की है। अब ये कहते हैं कि जितने भी हमारे राग द्वेष के भाव हैं, इनमें पुण्य भाव भी है और पाप भाव भी है, और पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी है। तो कहते हैं राग द्वेष के भाव चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, सबकी एक जाति है, वो कर्म जाति के है, धर्म जाति के नहीं। और कर्म हमारा शत्रु है, ये सभी कर्म जाति के है, धर्म जाति के नहीं। और कर्म हमारा शत्रु है, इसलिए एक मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं, इनमें अच्छे बुरे का भेद करने से कोई लाभ नहीं है। ये बात ऐसी है, एक बीच बाजार में सुंदर लड़की जा रही थी, और चार बदमाशों ने तय किया कि इस लड़की को यहां से उड़ाना है, और पुलिस की बहुत बड़ी ड्यूटी लग रही है, जबकि पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं। दो आदमी पहले एक कार में बैठ के आए और उस लड़की से दौड़ाए पर उन्होंने छेड़खानी शुरू की, और इतने में पीछे से दूसरी कार में दो आदमी आए और उनने उन पहले आदमियों की मार पिटाई करी और उन्हें भगा दिया और लड़की को बचा लिया। फिर लड़की से कहते हैं बेटा कहाँ जाना है, क्योंकि मेरा घर बना जगह है वहां जाना है, तुम अकेली जाओगी तो फिर तुम्हें आगे फिर परेशान करेंगे, अभी तो हमने यहाँ से भगा दिया। तुम कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें, मेरी से बढ़िया क्या होगा, आपने हमको बचाया
और घर छोड़ने को तैयार है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। लेकिन एक शर्त है कि कोई उनसे कहे हम कौन है तुम्हारे, तो कह रहे ना हमारे भाई है। क्योंकि ये पुलिस वाले आजकल छोटा टाइम बहुत करते हैं, अब तुमने यदि कुछ अनाम सनाम बोल दिया तो तुम्हें भी पकड़ के थाने ले जाएंगे और हमारी भी ले जाएंगे। हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो हमारे भाई हो ही ना, जिनमें हमने बचाया और घर छोड़ने को तैयार हो, नहीं तो भाई है समझा। ठीक है, तो उसे अपनी लाजत में पड़ जाती है। अब जाने लगे कोई पुलिस वाले टोके, कोई कहे हमारे कोई डर नहीं, बल्कि हमसे कौन है कि हमारे भाई हम बेटा। तो वहां पहुंच गए एक जगह अड्डे पर, उनका जो अड्डा था वहां ले गए, उसके घर से नहीं एक अड्डे पर ले गए। तो जिन गुंडों को पीटा था ना, वे भी वहीं बैठ गए। क्यों चार मिल गए के भेद नहीं।
बलराम जी को पता नहीं थी पुण्य आश्रम भी आश्रम है और पाप आश्रम भी आश्रम है। पूरे आश्रम को वे घड़ा भी देने वाले क्यों कह रहे आश्रम दुख कार सह नहीं सकते इसलिए
रहे सह सके ना बिना रात पी के भोग में नहीं पांच उदाहरण दिए आचार्यों ने उसकी टीका में मैं पांच भी सुनाऊंगा लेकिन मेरे ये गाथा है जिनको सुनाना है वो रह जाएंगे लेकिन एक नमूना के तौर पर सुनाऊंगा एक उदाहरण पांच कई लोग कहते हैं किसी के कान में भयंकर पीड़ा हो इसमें लिखा है समय सारी संस्कृत भाषा मैं आपकी तरफ से नहीं बता रहा हूं तो बेली बकरे की पेशाब अपने कान में डाले तो वो ठीक है चलो तो मैं वैद्य डॉक्टर नहीं हूँ घर पे जाके कोई प्रयोग करके मन देखा मुझे गाड़ियां जो लिखा है वो वैद्य लोग ऐसा बताते होंगे वो सुना होगा ऐसा लिखा सुनी सुनाई बात है उदाहरण के लिए तो वो कहते हैं कि बकरे की पेशाब कान में डाल ठीक हो जाता है अब किसी माँ बहन के कान में बहन कर तो माँ में इतनी धर्मात्मा है कि सुबह उठती है ये माघ के महीने में ही सुबह 5 बजे नहाती है गाय को नहाती है तो बाल्टी को नहाती है और उस बाल्टी में गाय का दूध निकालती है वो दूध पीती है कितनी धर्मात्मा होगी ऐसी धर्मात्मा बहन जो खान पान अभद्र भाषण जिसने जीवन में कभी किया नहीं अब उसके कारण में बहन का दर्द है तो अगर कोई दवाई कोई दवाई है तो दर्द है लेकिन एक एक बात सुन लो तुम्हारा धर्म दृष्टि नहीं करना चाहिए ये तुम्हारे कान में डालेंगे तो दर्द तत्काल ठीक हो जाएगा लेकिन आप कहो तो डालें हमें तो पता नहीं फिर भी जाने पुण्य पाप उनका उनका दोबारा से कैसे नहीं बकरे की पेशाब है और कान में डालेंगे तो गला नाक कान अंदर में जाके सब एक ही जगह खुलते बकरे में भी खुल जाएगी मौत में भी आ जाएगी आ जाएगी अब बोलो डालेंगे नहीं जाएंगे बेटा तेरे कान में दर्द हो रहा और मैं कहता हूं अभी तो सभी बोलेंगे तो वो कहते क्यों देर कर रहे हो डालो मैं जल्दी क्यों कि जो कुछ होगा बाद में महाराज से जाके प्राण चुन लेंगे लेकिन अभी तो डालो तो वो कहते हैं कि जिसके कान में इतनी भयंकर पीड़ा नहीं होगी वो अपने कान में बकरे की पेशाब भरवाने के लिए राजी क्यों नहीं होगा तो इस बात का सबूत है कि उसे भयंकर पीड़ा है तो वो कहते हैं बात जी के विषय बकरे की पेशाब से कम करते नहीं रसना घान चक्षु कर्ण पांच इंद्रियों के जो विषय है सेवन वो इससे भी ज्यादा गंदे हैं मन से भरे और उनमें ये चक्रवर्ती इंद्र नागेंद्र जितना रात प्रवृत्ति करते हैं तो ये दुखी नहीं है तो क्या सुखी है तो सुखाधिकार है तो सुखाधिकार की गाथा है और करता है इतने नमूने के तौर पर आपको मैंने पता नहीं तो वो ये कहते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है जो तुम्हें अच्छे लग रहे ना उनके उदय से प्राप्त होने वाले भोग मैं आपसे पूछता हूं कि सब धर्मात्मा लोग हम ऐसे ऐसे कि ये पांच इंद्रिय के भोग भोगने योग्य है या त्याग देने जागने योग्य है और मेरे कार्य से पुण्य से और पुण्य से मिली हुई चीज त्यागने योग्य है उसका अर्थ क्या होगा पुण्य त्यागने योग्य है एक
भैया एक ऐसा पेड़ है जो अपने आप में होगा है, समझे ना, और इसमें बहुत बढ़िया मीठे फल लगते हैं, लेकिन उन फलों को खाएं तो मरे और नहीं खाएं तो जिए, और वो पेड़ घर में लगाने नहीं लगा, आंगन में वो पेड़ लगाना कहीं गलती से भी खा लिए, क्योंकि बहुत मीठे हैं। अब ये पूजा तो आपको सुना दी मैंने, कौन सी दूसरी सुनो, इंद्रिय की भोग मधुर से सम, इंद्रियों के भोग मीठे विष के समान है, मधुर विष खाने में बहुत मीठा लेकिन अंदर जाए तो तत्काल मर जाए, अरे कड़वा होता तो लोग खाते नहीं होते, इंद्रियों के जो भोग हैं वो मीठे विष के समान है, पकुण से वो मिलते हैं, बोलो घर में एक पेड़ लगाना है नहीं लगाना, और एक अगर लग गया तो गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना काट नहीं सकते थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य आश्रम भी आश्रम है संबल नहीं, ये बात बताई किसमें आश्रम अधिकार में। अब आगे बढ़ो, आश्रम के बाद क्या संबल अधिकार, तब वो एक संबल अधिकार में मानो कर, ये सब में व्यक्ति धर्मात्मा जी के संबल होता है, तो आगे तो संबलाधिकार हम यहां तक चलेंगे, ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है और अज्ञानी के भोग बंद के कारण है, अरे भोग निद्रा के कारण